हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित हियर एंड वेलकम टू 2 मिनट्स नॉलेज चैनल। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि गूगल को कैसे एक टाइमर के हिसाब से यूज किया जा सकता है। हमें इस फीचर को यूज करने के लिए कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। पहले जनरली गूगल क्रोम पॉपुलर रहता है, इसलिए हम लोग गूगल क्रोम यूज करें। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आप एड्रेस बार में google.com टाइप कीजिए। google.com खोलने के बाद आप उसके सर्च फंक्शन में गूगल टाइमर बोल के टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। तो पहले ही पेज में जो आएगा वो टाइमर होगा, गूगल का टाइमर होगा। ये जो टाइमर है हम लोग अभी देखेंगे हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अभी जो ये लिखा है 5 मिनट 00 सेकंड, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोगों को ये आवर मिनट और सेकंड के हिसाब से दिखाई देगा। सपोज किसी को चाहिए कि 5 मिनट का टाइमर लगाए, सपोज किसी को दौड़ना है या कुछ काम करना है और एंड 5 मिनट का टाइमर, तो पहला 00 सेकंड एंड 05 सेकंड एंड उसके बाद स्टार्ट में क्लिक करना है। तब अभी देख रहे हैं हम लोग टाइमर का टाइम कम होते जा रहा है टिल इट बिकम्स 0 सेकंड। फिर हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, अगर चाहिए तो बीच में चाहिए तो स्टॉप कर सकते हैं। टाइमर आपका 0 सेकंड में आ जाएगा तभी वो एक बीप साउंड देगा। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। मैंने क्लिक किया, अभी आवर मिनट और सेकंड में आ गया और मैं 10 सेकंड का एक टाइमर लगा रहा हूँ। 10 सेकंड का टाइमर लगा लिया और मैं अभी स्टार्ट बटन में क्लिक कर रहा हूँ। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद टाइमर स्टार्ट हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आपको ये साउंड सुनाई दे रहा होगा। देखिए 0 सेकंड में वो टाइमर बंद हो गया और आपको ये बताने लगा कि आप जो टाइमर सेट किए थे वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद आप क्लिक ऑन ओके कर सकते हैं। और एक बढ़िया तरीका है टाइमर सेट करने का, अगर आपको पता है कि आप कितने टाइम का टाइमर सेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल टैब में जाकर लिख सकते हैं सेट टाइमर फॉर 20 सेकंड्स, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कुछ टाइप करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा और टाइमर एक के बाद एक नीचे आता जाएगा। आप चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये चैनल पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन में क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए। थैंक यू।